ए के मिश्रा साहब, आज बीजेपी लगता है कि मंथन और चिंतन अमृत निकालेगी। आज बीजेपी लग रहा है और चिंतन से अमृत नहीं निकलेगा। अगर अमृत निकलता तो इनकी क्लियर कट सरकार बनती, तब हम उसको बोलते कि अमृत निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मंथन और चिंतन किया नहीं था और इनको पता नहीं था, कुछ ना कुछ बीजेपी में खूबियां हैं। देखिए ये सब हुआ क्या, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये बड़ा कांटे का टक्कर होगा। कांग्रेस जो इतना अच्छा परफॉर्म कर गई है उसके पीछे रीजन है, पॉलिटिक्स में हमेशा लोगों को विक्ट्री या परफॉर्मेंस मिलती है तो रूलिंग पार्टी की गलतियों के कारण। बीजेपी ने भी यही किया, ठीक है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी जी एक ब्रांड थे, 4 साल से मोनोटोनस नेचर चल रहा था, जो प्रॉमिसेस ये लगातार करते जा रहे थे ये ग्राउंड पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, गैप बहुत था। पब्लिक हमेशा चाहती है कि प्रॉब्लम से उसको राहत मिले, चाहे वो टैक्स के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, सख्ती पे सख्ती ये करते चले गए, चीजों को धीरे धीरे करना चाहिए। उसका ये रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी जो ये दावा करती थी कि हम सुंदर और साफ सुथरी सरकार है, हमारे ऊपर बेदाग हमारी छवि है, वहां पे क्या हो गया आप देख लीजिए। क्लीन स्वीप वाली बात करने वाली बीजेपी आज एमपी और यहाँ पे, जहां पे दोनों जगह ये बहुत अच्छे थे, खैर राजस्थान में देखे तो कुछ इनकी अपनी इंटरनल फाइट भी इनको ले डूबी, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो इंटरनल गुटबंदी थी उसके कारण भी ये आ गया। देखिए इतना अच्छा मैनेजमेंट होते हुए, बूथ लेवल पे इतना अच्छा इन लोगों का नेटवर्क होते हुए, अगर ये इस लेवल पे गिर गए हैं कि एक एक सीट के लिए फाइट करनी पड़ रही है।